यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के दोहरे शतक और शतक की मदद से वाइजेक टेस्ट में इंडिया ने इंग्लैंड को 106 रनों से हरा दिया और इन दोनों की शानदार बैटिंग ने वर्ल्ड क्रिकेट को ये भी बता दिया कि इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन के बैटर्स जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। यशस्वी का दोहरा शतक इस सीरीज में इंडियन बैटिंग के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आया है। इसके साथ ही शुभमन गिल के शतक ने टॉप ऑर्डर को स्टेबल करने का काम किया है। इंडियन बैटर्स की बात करें तो पिछले 2-3 सालों में इंडियन बैटर्स के बल्ले से दोहरे शतक नहीं आए थे। इंडियन टीम को शिखर धवन के बाद टेस्ट फॉर्मेट में दाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज की तलाश थी और यशस्वी के टेस्ट मैचेस के परफॉर्मेंस देखकर लग रहा है कि टीम इंडिया के लेफ्ट हैंड राइट हैंड के कॉम्बिनेशन की कमी पूरी हो गई है। शुभमन के शतक ने कोहली की कमी पूरी की। जब से शुभमन गिल ने तीसरे नंबर पर बैटिंग करना शुरू किया है तब से उनके टीम सिलेक्शन पर सवाल ही सवाल उठने लगे थे। शुभमन गिल ने नंबर 3 पर खेलते हुए पिछले 10 पारियों में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाई थी लेकिन वाइजेक में दूसरी पारी में 104 रन की पारी ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। सहवाग ने की दोनों की तारीफ। दोनों यंगस्टर्स को देखकर खुशी हुई। दोनों खिलाड़ी यंग हैं और अंडर 25 के हैं। जब टीम को जरूरत थी तो दोनों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आने वाले सालों में ये दोनों वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेंगे। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने 28 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंगम में साल 1996 में 137 और 177 रन की पारी खेली थी। उस समय सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली भी अंडर 25 के ही थे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।